अभी आपके 17 जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं, वहां के लोग कहां रहेंगे? तिरपाल की छाँव में पिछले 1.5 महीना से ऊपर वो एनएच पे रहने को विवश हैं, और जहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं, खाने की वस्तुएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, 23 तारीख को मुलाकात होगी नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री से, और जो मुद्दा होगा वो जातिगत जनगणना को लेकर। सभी दल के नेता मिलेंगे, मांझी जी, तेजस्वी जी, नीतीश जी, मगर जो नहीं मिलेंगे तो वो हैं मोदी के हनुमान चिराग पासवान को। बुलावा नहीं आया नीतीश जी की तरफ से, क्या उधर ये मान चुके हैं कि उनके वो ख़त्म हो गए हैं पार्टी के, वो कुछ नहीं है अब तो? अगर मानते तो भाई हिट को तो ले जाते, लोजपा के हिट को। चिराग चंदन जी बताइए। देखिए, बहुत लोग इस प्रयास में हैं कि चिराग जी को बिहार से समाप्त कर दिया जाए, लेकिन चूंकि बिहार की जो महान जनता है आदरणीय चिराग पासवान जी को आशीर्वाद भरपूर मात्रा में दे रही है। ठीक है, आपको याद होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा में हमको 6% मत मिले, तकरीबन ये 25 लाख के लगभग होते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी उन लोगों को लेके जा रहे हैं जिनको मत प्रतिशत बिहार विधानसभा में 1.5% के लगभग आया है या उससे भी कम है। तो देखिए, बिहार की जो महान जनता है वह चिराग पासवान को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन पे 25 लाख मत दिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के अभिभावक हैं, वो कुछ सोच के ही नहीं ले जा रहे होंगे चिराग पासवान जी को। तो देखिए, कहीं ना कहीं एक कुंठा है अंदर में। वह चिराग पासवान जी बिहार का जो मुद्दा है, जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, उसको मुखर होके उठाते हैं, वो पुल पुलिया का हो या शराबबंदी का हो। सर, तो ये मुद्दा ये तो नहीं है ना कि कहीं वो सोच रहे हैं कि लोजपा तो चिराग के हाथ से निकल गई, तो वो तो पार्टी के अध्यक्ष को ले जा रहे हैं, तो चिराग तो अपना बोल रहे हम अध्यक्ष हैं, उधर पशुपति पारस है, तो कन्फ्यूजिया गए वो। देखिए, ये कन्फ्यूजन का कोई विषय नहीं है, आप भी जानते हैं, और बिहार में जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा आदरणीय चिराग पासवान जी निकले हैं, तो एक जनसैलाब जो आ रहा है, या आप लोग तो पत्रकार बंधु हैं, आपसे तो कोई बात छिपा हुआ नहीं है। किसी भी जिला में तकरीबन 20 जिला आदरणीय चिराग पासवान जी अभी तक घूम चुके हैं, और भारी संख्या में जो जनसैलाब देखने को मिल रहा है, हम लोग इस पर तो अभिभूत हैं। कुछ तो हम लोग इस पर कह नहीं सकते हैं, ये आप लोग तय कीजिए। आखिरी सवाल, चिराग जी का बंगला राम जी हनुमान जी का आशियाने ही उजाड़ रहे हैं। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट कह चुके हैं कि चिराग पासवान कहाँ रहेंगे यह विषय नहीं है। विषय यह है कि अभी आपके 17 जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं, वहाँ के लोग कहाँ रहेंगे? तिरपाल की छाँव में पिछले 1.5 महीना से ऊपर वो एनएच पे रहने को विवश हैं, और जहां दवाइयां उपलब्ध नहीं हो रही हैं, खाने की वस्तुएं उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं आदरणीय चिराग पासवान जी। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।